हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस मार्केटिंग पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के अबाउट। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल में अगर आप देखेंगे 18 फरवरी को क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे जो 18 फरवरी का जो लॉकिंग प्राइस था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना, 16 रुपये 25 पैसे। प्रीवियस क्लोज कितना था, 17 रुपये 10 पैसे। तो यहाँ पे जो है कि हमें काफ़ी अच्छा लोअर सर्किट देखने को मिला है। कितना परसेंट, 4.97% के आसपास हमें जो है कि यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 5 डे की या फिर 1 मंथ की, तो यहाँ पे फिर भी हमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। लेकिन 6 मंथ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो हमें अपर सर्किट देखने को मिला था, जो यहाँ पे हाई जंप हमें देखने को मिला था, इसकी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना, 14 जनवरी को यहाँ पे हमें जो लोअर सर्किट देखने को मिला है, 14 जनवरी से हमें लगातार जो है कि लोअर सर्किट ही देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया था, हमें लग रहा था कि अच्छा खासा हमें फिर से जो है कि अपर सर्किट देखने का चांसेस मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना, 18.25 पैसे पे यहाँ पे जो लॉक करता हुआ नज़र आया। उसके बाद फिर से जो है कि हमें थोड़ा बहुत अपर सर्किट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे जो 8 फरवरी है, 8 फरवरी को फिर से हमें लोअर सर्किट देखने का चांसेस मिल गया है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अभी तक जो है कि हमें अच्छा खासा लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो लोअर सर्किट है, कब तक जाके हमें अब स्टॉप होता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पे जो अच्छा खासा सपोर्ट है, वो कहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का शेयर होल्डर्स है उन सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, जो भी हमारे चैनल में नए आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 डे पे, जैसे कि हमें डे बाई डे 4.97% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, वैसे ही अगर हम बात करें इसका जो मार्केटिंग कम्युनिटी सेंटीमेंट है, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत नज़र डालेंगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, 100% लोग यहाँ पे जो है कि बाइंग करने की सलाह दे रहा है, किस किस में, ऊर्जा ग्लोबल पे। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल पे 100% लोग यहाँ पे बाइंग करने की सलाह दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिविटी क्यों है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पॉजिटिविटी क्यों है, सबसे पहले अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका जो लोअर सर्किट है, लगातार अगर आप देखेंगे पिछले 1 मंथ से लगभग 40% तक लोअर सर्किट आ चुका है, फिर भी इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी हुआ है। क्योंकि यहाँ पे इसका अगर हम फंडामेंटल को देखते हैं, तो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। कंपनी जो है कि डे बाय डे हमें ग्रोथ की ओड़ी लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होने के वजह से हमें अच्छा खासा लोअर सर्किट का सामना करना पड़ रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कंपनी की अगर फंडामेंटल को चेक करें, कंपनी अपना बिजनेस को अच्छे खासे यहाँ पर जो है कि ग्रोथ में लेकर आ रही है। कंपनी पहले क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करता था। लेकिन फिर से क्या हुआ, ये कंपनी धीरे धीरे हमें आगे बढ़ता हुआ नज़र आया। जो भी प्रॉफिट मार्जिन निकला है, उसी से हमें जो कि और भी ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ करता हुआ नज़र आया। धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार को लॉन्च किया, और यहाँ पे अगर हम बात करें, स्कूटर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया है, और भी ढेर सारा यहाँ पे होम का जो एक घर का जो छोटा मोटा गैजेट होता है, बैटरी से चलने वाला, सब कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया है। तो ऐसे ही करके कंपनी जो है कि काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट्स दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें फ्यूचर में, तो फ्यूचर में एक अच्छा खासा आपको कंट्रीब्यूशन दे सकता है ये कंपनी, काफ़ी शानदार रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। फंडामेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कम्युनिटी सेंटीमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी जो है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लोअर सर्किट लग रहा है, इससे टेंशन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है, अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, आपका जो अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, उसको आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोअर सर्किट आया है, यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं, तो भविष्य में आगे जाके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमें लगातार लोअर सर्किट वीक बाय वीक हमें जो लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, ये लोअर सर्किट क्या हमें फिर से अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज का जो डेट है वो आज का जो दिन है वो संडे है। कल से नया मार्केट, मतलब कल से नया एक वीक चालू होने वाला है। तो नेक्स्ट वीक में आपको एक अच्छा खासा अपर सर्किट भी देखने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन के आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको इस शेयर में काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट
प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी के टाइम पे अगर हम पिछले उछाल आने के पहले से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 116% का इंक्रीज पॉइंट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो 116% का इंक्रीज पॉइंट है ये हमें लगभग यहाँ पे जो है कि 80 से 90% तक जब आ जाएगा इंक्रीज पॉइंट तब यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आएगा और फिर से जो है कि शेयर जो है कि फिर से एक वोलेटिलिटी के साथ हमें धीरे धीरे अपर सर्किट की ओर ही देखने का चांसेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी हमें तो देखने को मिल ही रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कम्युनिटी सेंटीमेंट की तो काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100% लोग यहाँ पे बाइंग करने की सलाह दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या करने से अभी आपके अच्छा रहेगा। और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस वाली वीडियोस कंटिन्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।